हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रोडजी। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईबीएम की तरफ से आईवी रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहां पे आईबीएम की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के जॉब रोल के लिए। दोस्तों, यहाँ पे बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमएससी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम बैच की बात करें तो बैच यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2019-20 वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप सैलरी देख रहे हैं, यहाँ पे 4.2 लाख पर एनम की सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाले हैं, सारी चीजें वीडियो में आगे देखेंगे। इससे पहले कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जॉब की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे चले आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आईबीएम रिक्रूटमेंट 2022 फॉर एसोसिएट इंजीनियर। यहाँ पे नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। जॉब रोल के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल रहने वाली है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक, एमटेक, यहाँ पे एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबल ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लगभग सारे ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम नीचे देखें और सारी चीजें, तो यहाँ पे आप नीचे स्लाइड करके सारी चीजें देख सकते हैं। पोजिशन क्या रहने वाले हैं, कंट्री इंडिया रहने वाली है, स्टेट मल्टीपल, मतलब यहाँ पे आपको सारे स्टेट में नहीं, मतलब अलग अलग स्टेट में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। पोजीशन टाइप की अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल, मतलब फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप क्या है, यहाँ पे फुल टाइम जॉब रहने वाला है और सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जैसे स्लाइड करना हो, यहाँ पे लिखा है वाई यू शुड ज्वाइन, टेक योर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, एक्सप्लोर योर करियर लाइक समथिंग, यहाँ पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनवायरमेंट प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू योर केआरएस दैट रिक्वायर्ड यू टू डिमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्रोफेशनल नॉलेज क्विकली एंड डेवलप स्किल रिलेटेड टू टेक्निकल फंक्शनल सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्ट स्किल। दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन नेगोशिएशन ड्रॉन अपॉन प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट टू कोलैबोरेट विथ अदर टू कैरी आउट असाइंड ड्यूटी, और भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिफर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में कंट्रीब्यूट, लीडरशिप की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, इंपैक्ट ऑन बिजनेस स्कोप सारी। अगर हम डिग्री की बात करें तो जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था, और स्पेशलाइजेशन भी सारी चीजें मेंशन है। तो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई नाउ का बटन, या आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख सकता है अप्लाई नाउ। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूँ कि करना क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू विल डेवलप रिलेवेंट स्किल एंड क्विकली गेन मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, यू डेडिकेटेड नेटवर्क टू एक्सपर्ट एंड मेंटर्स विल प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड करियर कोच। दोस्तों, हम अप्लाई करके बताते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फर्दर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पहले से आईबीएम पे हैं, मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें फिलअप कर दीजिएगा, ताकि अगर और भी अगर जॉब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेल के थ्रू। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अप्लाई वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे नीचे स्लाइड करने के बाद अप्लाई टू जॉब पे क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई टू जॉब पे क्लिक करने के बाद साइन इन विथ लिंक्डइन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो रजिस्ट्रेशन किए हैं आपका वहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, सारी चीजें डालने के बाद साइन इन करने के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।